आज की इस प्रार्थना में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सभी कोरोना पीड़ित लोगों के लिए। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर वो प्रभु है जो हमें चंगाई प्रदान करता है। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि ईसा के पास लोग अपने बीमारों को लेकर आए, उन्होंने उन पर हाथ रखे और उनको चंगाई प्रदान की। आज बहुत सारे लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं, प्रभु उन सभी लोगों पर अपना पवित्र हाथ रखे और उन्हें स्पर्श करे। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 41 पद संख्या 4 और 5, प्रभु उसे रोगशैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हम पर दया करे और हमें चंगाई प्रदान करे। स्वागत करेंगे इस वक्त, परम प्रसाद को वेदी के ऊपर लाया जाएगा और हम लोग प्रभु की आराधना करते हुए हम दया की भीख मांगेंगे। प्रभु से निवेदन करेंगे कि प्रभु हम सभी लोगों को स्पर्श करें। हम उसकी उपस्थिति में रहकर उसकी दया की याचना करेंगे। मेरे यीशु क्रिस्ता पर दया करो, मेरे यीशु क्रिस्ता मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो। सिरों को झुकाएंगे सभी लोग, प्रभु का आदर सम्मान करते हुए, भक्ति भावना से दया की याचना करते हुए, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए, एक एक बीमार के लिए इस दोपहर के समय प्रार्थना करें। प्रभु के 5 घावों को याद करें, सलीब पर उसकी फतेह को याद करें, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए उसको याद करें। वो सूली ढोते हुए कलवरी के रास्ते पर चला जा रहा था, उस रास्ते को याद करें। जब क्रूस पर उसे ठोंका जा रहा था, उस समय याद करें। एक एक कोड़े से, एक एक घाव से हम भले चंगे हो गए। आज ये कोरोना से पीड़ित लोग प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर और इन्हें चंगाई प्रदान कर। सृष्टिकर्ता को मैंने छोड़ दिया, सृष्टि वस्तुओं को मैंने पूजा किया। सृष्टिकर्ता को मैंने छोड़ दिया, सृष्टि वस्तुओं को मैंने पूजा किया। अहंकार से मैं जिया, अहंकार से मैं जिया। क्षमा करो भगवन, मुझे क्षमा करो भगवन। मेरे यीशु क्रिस्ता मुझ पर दया करो, मेरे यीशु क्रिस्ता
मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। दया के लिए प्रार्थना करेंगे और इस भेद में हम सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे इस वचन के द्वारा। स्त्रोतकार कहता है अध्याय 147 पद संख्या 3 कि प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। स्त्रोतकार कहता है कि प्रभु उसे रोगशैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। इसलिए मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। इस वचन के द्वारा प्रायश्चित करते हुए सभी कोरोना पीड़ितों के लिए इस करुणा माला विनती के दौरान हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर, सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों पर कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर।
हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारी कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी कोरोना पीड़ितों पर दया कर। मैंने माँ बाप का आदर नहीं किया, बंधु मित्रों को मैंने त्याग दिया। मैंने माँ बाप का आदर नहीं किया, बंधु मित्रों को मैंने त्याग दिया। स्वार्थ का जीवन जिया, स्वार्थ का जीवन जिया। क्षमा भेद। हम याद करते हैं उन तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, कोरोना वॉरियर्स को, ना जाने वो किस डर के साथ सहमे हुए से इन मरीजों की देखभाल बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। वे लोग जो शमशान में, कब्रिस्तानों में इन लोगों को उठा कर ले जाते हैं, वे लोग जो एम्बुलेंस के द्वारा हैं इनके लिए उपचार की व्यवस्था करते, इन्हें शिफ्ट करते हैं एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक, सभी कर्मचारियों को, नर्सेस को हम समर्पित करते हैं इस वक्त। प्रभु इन तमाम लोगों पर दया करने की कृपा कर, विशेष रूप से डॉक्टर्स, प्रभु उन पर दया कर, इनके हाथों को शुद्ध कर, पवित्र कर, जिससे कि ये जिस मरीज को छुए तेरा स्पर्श इनके द्वारा उन्हें मिले और वे चंगाई प्राप्त करें। हमारी गलतियों, कमजोरियों को प्रभु नजर न डाल, हमारे विश्वास के अनुसार हमारा उद्धार कर, क्योंकि तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। हम तुझ पर आस रखते हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता। प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए, तेरा वचन कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। इस भेद के द्वारा प्रभु आपके पांच घावों पर मनन चिंतन करते हुए सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और कर्मचारियों को समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं, इन पर दया कीजिए। आपका जवाब होगा, सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और कर्मचारियों पर दया कर। सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और कर्मचारियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता तुझे चढ़ाते हैं उनके दुख भोग के नाम पर। सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और सभी कर्मचारियों पर दया कर। सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और कर्मचारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी डॉक्टर्स, नर्सेस एवं कर्मचारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी डॉक्टर्स, नर्सेस एवं कर्मचारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी डॉक्टर्स, नर्सेस एवं कर्मचारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी डॉक्टर्स, नर्सेस एवं कर्मचारियों पर दया कर।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी डॉक्टर्स नर्सेस एवं कर्मचारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी डॉक्टर्स नर्सेस एवं कर्मचारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी डॉक्टर्स नर्सेस एवं कर्मचारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी डॉक्टर्स नर्सेस एवं कर्मचारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी डॉक्टर्स नर्सेस एवं कर्मचारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी डॉक्टर्स नर्सेस एवं कर्मचारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी डॉक्टर्स नर्सेस एवं कर्मचारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी डॉक्टर्स नर्सेस एवं कर्मचारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी डॉक्टर्स नर्सेस एवं कर्मचारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी डॉक्टर्स नर्सेस और कर्मचारियों पर दया कर। प्रभु, हम तेरे दुखों को याद करते हैं। तूने सारी मानव जाति के लिए अपने शरीर पर 40 कोड़े खाए, जल्लादों के सामने तूने अपना मुंह कर दिया। जब तुझे थप्पड़ मारते थे तो तू अपने गाल उनकी ओर कर देता था। वचन बताता है कि तूने दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल कर दिए। तूने उन्हें गाली के बदले गाली नहीं दी, तूने असहनीय पीड़ा को सहन किया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस भेद में तेरा वचन आज के इस दिन में हमारे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि संकट में मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी प्रार्थना को सुनी। आज जितने भी लोग जो संकट में हैं, कष्ट में हैं, हे प्रभु यीशु, उनकी पुकार को सुन। जो अपने घरों में रो रहे अपने प्रियजनों के लिए, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। तू दयावान है, तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। धन्य है व्यक्ति जिसका अपराध तू क्षमा करता है, धन्य है वह व्यक्ति जिसका दोष तू मिटा देता है, धन्य है वह व्यक्ति जो अपना अपराध तेरे सामने कबूल करता है, धन्य है जिसे तू ईश्वर दोषी नहीं मानता, धन्य है वह मनुष्य जिसका हृदय निष्कपट है। मेरे निरंतर कराहते रहने से मेरी हड्डियां छीज रही हैं, प्रभु दया कर। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप के जैसे सूखता जा रहा है। मैं अपने पापों को तेरी ओर लाता हूं, मैं तेरी ओर अभिमुख होता हूं, संकट के समय मैं तुझे पुकारता हूं। ये जितने भक्त जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, जिन जिन घरों में ये प्रार्थना पहुंची है, ये संकट के समय तुझे याद करते इनकी प्रार्थना को सुन और इन्हें शांत बना दे। प्रियजनों, अपने अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस कोरोना की महामारी के दौरान अपना वादा हमारे परिवारों में पूरा करें। उसका वादा है, महामारी तेरे घर के निकट न आएगी। वो अपने दूतों को आदेश देगा कि वह तुम्हारे ऊपर पहरा दें, तुम्हें अपने हाथों पर उठा कर रखें। इसलिए आपका जवाब होगा, हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर, हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर, हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर।
हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्राण कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। प्रियजनों, प्रभु का वचन यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 4 और 5। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे ही दुखों से वह लदा हुआ था। उसके द्वारा हमें शांति मिलती है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु का वचन अध्याय 57 में पद संख्या 19 में कहता है कि प्रभु यह कहता है, मैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। प्रभु यह कहता है कि मैं सभी बीमारों को स्वास्थ्य प्रदान करूंगा जो मेरी शरण आए हैं, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 17 में वो कहता है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। हे प्रभु यीशु, तेरा ये वचन तेरे इन बच्चों के जीवन में पूरा होने दे, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। सभी बुजुर्ग माता पिता, सभी पुरोहित, धर्म संगी, धर्म बहनें, धर्म प्रचारक, नवजात बच्चे, नवयुवक और युवतियां, हम तेरे दास दासियां प्रार्थना करते, इन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर और इनकी रोग शैया को स्पर्श कर। जितने लोग बीमार हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, इस वक्त अपने हाथों को उठा लें। जो रसौलियों से पीड़ित हैं, कैंसर के रोग से, टीबी के रोग से, इन्फेक्शन के रोग से पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड इन्फेक्शन, लिकोरिया, रक्तस्राव जैसी अनेक असाध्य रोग, बवासीर, शुगर के रोग, डिमेंशिया की समस्या, सफेद दागों की समस्या, सोराइसिस की बीमारी, आंसू बहाते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु से कहें कि प्रभु हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर।
हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझको क्षमा तू कर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझको क्षमा तू कर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, 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 नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। मेरी चोटों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरी चोटों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। दे प्रभु मुझको चंगा तू कर दे, मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु मुझको चंगा तू कर दे, मुझको चंगा तू कर दे, मुझको चंगा कर दे। प्रियजनों प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने एक एक पर हाथ रखा और लोगों को चंगाई प्रदान की। वचन कहता है कि ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और उन्हें चंगा किया। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ने अपने घावों के द्वारा हमें चंगा किया। एक एक घाव और एक एक कोड़ा जो उसने हमारे खातिर सहन कर लिया, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, मुक्ति मिली है। हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस महामारी के दौरान प्रियजनों इस दुनिया से चल बसे हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आपके घर परिवार से यदि कोई सदस्य गुजर गया है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए इस वक्त आप प्रार्थना करें और कहें, सभी मृतक सदस्यों की आत्मा को शांति प्रदान कर, सभी मृतक सदस्यों की आत्मा को शांति प्रदान कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुर्भोग के नाम पर हम सभी मृतक सदस्यों की आत्मा को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुर्भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतक सदस्यों की आत्मा को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुर्भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतक सदस्यों की आत्मा को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुर्भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतक सदस्यों की आत्मा को शांति प्राप्त कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुर्भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतक
सदस्यों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतक सदस्यों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतक सदस्यों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतक सदस्यों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतक सदस्यों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतक सदस्यों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतक सदस्यों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतक सदस्यों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी मृतक सदस्यों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी मृतक सदस्यों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी मृतक सदस्यों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। इस वक्त हम याद करते हैं उन तमाम पुरोहित धर्म बहनों को जिनको प्रभु ने चुना, अभिषिक्त किया अपना वचन सुनाने के लिए, सभी प्रचारकों, पासवानों, प्रभु के चुने हुए सेवक सेविकाओं को, और उनमें से कई लोग जो कोरोना के वायरस के शिकार हो गए और वो प्रभु के पास चले गए। हम विशेष रूप से सभी पुरोहितों के लिए, धर्म संगियों के लिए, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वायरस के शिकार हैं, रोगशैया पर हैं। उन लोगों को याद करते हैं जो दूर दराज में, देश विदेश में प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं। उनमें से कई एक आपके बेटे और बेटियां हैं। आप सब उनके लिए प्रार्थना करें, अपने पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, संत पिता फ्रांसिस के लिए, माता मरियम, हम सब के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। तेरा वचन बताता है कि बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा कर दिया, शांति प्राप्त कर और घर जाओ। प्रियजनों, प्रभु हमें याद दिला रहे हैं, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बन, अपनी बीमारी में लापरवाह मत बन। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 9, प्रभु से प्रार्थना कर और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए हम सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन सब पर दया करे। आपका जवाब होगा, सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं, उनके दुख भोग के नाम पर सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। स्त्रोत संख्या 30, साम नंबर 30, भक्ति भावना के साथ प्राण संकट से मुक्ति के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है, तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया, तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा, और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया, और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया, मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। प्रभु भक्तों उसके आदर में गीत गाओ, प्रभु भक्तों उसके आदर में गीत गाओ, उसके पवित्र नाम का जयकार करो, उसके पवित्र नाम का जयकार करो। उसका क्रोध क्षण भर रहता है, उसका क्रोध क्षण भर रहता है, उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है, उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। सांझ को भले ही रोना पड़े, सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है, भोर में आनंद ही आनंद है। मैंने सुख शांति के समय कहा था, मैंने सुख शांति के समय कहा था, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। प्रभु तूने अपनी कृपा से मुझे सुदृढ़ किया था, प्रभु तूने अपनी कृपा से मुझे सुदृढ़ किया था, किंतु जब तूने मुझसे अपना मुख छिपाया, किंतु जब तूने मुझसे अपना मुख छिपाया, तो मैं घबरा गया, तो मैं घबरा गया। प्रभु मैंने तुझे पुकारा, प्रभु मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझसे प्रार्थना की, मैंने तुझसे प्रार्थना की, मेरी मृत्यु से अधोलोक में उतरने से, मेरी मृत्यु से अधोलोक में उतरने से तुझे क्या लाभ होगा, तुझे क्या लाभ होगा, क्या धूल तुझे धन्यवाद देती है, क्या धूल तुझे धन्यवाद देती है, या सत्य या तेरी सत्य प्रतिज्ञता की घोषणा करती है, या तेरी सत्य प्रतिज्ञता की घोषणा करती है। प्रभु मेरी सुन, मुझ पर दया कर, प्रभु मेरी सुन, मुझ पर दया कर, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर। तूने
मेरा शोक आनंद में बदल दिया। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है। इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है। प्रभु मेरे ईश्वर, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। करुणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो हाथ जोड़ सकते हैं जोड़ें, जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। आने वाले 10 मिनट कम से कम घुटना टेक कर हाथों को उठाते हुए दया की भीख मांगते हुए हम कहें, हे प्रभु ईश्वर हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता भाई बहन अधिकारियों और नेताओं, हमारे द्वारा जो भी पाप अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। प्रभु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। देखो मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें जीवन देता है, मैं वो प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। यर्मिया कहता है, यदि तू मुझे स्वस्थ करेगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, यदि तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु का निमंत्रण स्वीकार करते हुए आइए एक साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। हे प्रभु, हम तेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपने पाप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेष कर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता व अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट, पीड़ा और रोगों से ग्रसित है तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और शांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर।
यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग का द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छी से छेदा गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना हम पर दया कर। यीशु का हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हम प्रार्थना करें हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर हृदयों की थाह लेने वाले सर्वव्यापी ज्ञानी पिता याद कर। तू इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया सूखे कदमों ने लाल सागर पार कराया मरुभूमि में उन्हें मन्ना खिलाया चट्टान से पानी निकाला और पिलाया हर पल हर क्षण तू उनकी देखभाल करता रहा। तूने उनके सभी अपराधों को क्षमा किया हे प्रभु आज तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि डाल अपने परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के हृदय पर दृष्टि डाल जिससे प्रेम का झरना फूट निकला और जो स्तुति हमने प्रायश्चित करते हुए पापियों के नाम पर चढ़ाई है उस पर ध्यान देने की कृपा कर। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों को क्षमा कर दीजिए तेरी इस प्रजा के परिवारों पर इनके बाल बच्चों पर इनके बुजुर्गों माता पिता भाई बहनों पर और मित्र बंधुओं पर दया दृष्टि डालने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। सिरों को झुकाएंगे प्रभु का आशीर्वाद हम ग्रहण करेंगे समर्पित हो जाएं प्यारे भाई प्यारी बहन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, महिमा हो, स्तुति हो, सदा सर्वदा। सिरों को झुकाएं, सदा सर्वदा। धन्यवाद तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद प्रभु जी, सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। पुनः शाम को 7 बजे आपसे मुलाकात होगी आराधना के दौरान। सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।